नमस्कार दोस्तों, आज़ादी से कुछ साल पहले संयुक्त पंजाब में एक बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा अपने बचपन के दिनों में ही भारत के विभाजन के समय हरियाणा के क्षेत्र में आता है और उसके बाद पत्रकारिता से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और एक एक करके लगातार ये चुनाव जीतते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हारते भी रहते हैं और 3 बार ये विधायक बनने का इनको अवसर मिला और 3ों बार ये मंत्री भी बने। आज हम बात करेंगे पूर्व मंत्री एसी चौधरी जी से, फरीदाबाद में आज इनके पास हैं और राजनीति की जो पुरानी बातें हैं वो आपसे जानेंगे। एसी चौधरी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भाई। आपके साथ ये कैसे संयोग रहा कि आप जब भी जीते आप मंत्री बने, ऐसा क्या आपने देखा? देखो मैं एक बात बताऊं आपको, 82 में तो मैं ये था कि इंदिरा गांधी का स्पॉन्सर था। अच्छा, वो इंदिरा गांधी जी ने बोला होगा उनको, भजनलाल जी? हुआ क्या है, भजनलाल जी के साथ मेरी झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा हो गया, मैंने क्या किया, मिनिस्टर तो था मैं, भजनलाल को ये पता था कि पढ़ा लिखा है और सोशल वर्कर है, यहाँ कई बार आए तो प्रोग्रामों में मैं वर्दी में होता था, उसे बढ़ा दिया। बाद में कुछ मैंने काम प्रोजेक्ट फरीदाबाद के लिए मांगे, इसने मुझे कह दिया सब पैसे फरीदाबाद पे लगाऊंगा क्या। फरीदाबाद तो दूध देने वाली गाय है भजनलाल जी, दूध पियो भी, सारे हरियाणा में बांटो और जब फरीदाबाद का नाम आ जाए तो आपके होश सूख जाते हैं क्यों। और वो मैं जर्नलिस्ट वाली भाषा बोलने लग गया। जब बोला या मैंने क्या किया, मैं बैठा इस्तीफा लिख रहा, इस्तीफा लिख दिया कि भाई मेरे घरेलू किसी रीजन की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने किसी का भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, मेरे पास 2-3 मंत्री और आ गए। क्या हुआ भाई यार, कोई बात है, इज्जत नहीं कर रहा, सीखा कहते हैं सारे पैसे फरीदाबाद को दे दो, क्या कर रहा है मुझे? कहता मुझे भी ऐसे ही कहा। हम होते होते 9 आदमी हो गए। अच्छा, हमने 9 के लिए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो इंदर जी ने, वो जब ये पता लगा कि एसी चौधरी ने भी इस्तीफा दिया, जहाँ है लेके आओ उसको। मैंने क्या किया, मैं यहाँ से आया चंडीगढ़ से, यहाँ आते ही अपना 2-3 जोड़े कपड़े के डाले, वाइफ को बोला 1-2 जोड़े तू ले ले, 2 बच्चे मेरे हैं, वही 2 बच्चे छोटे, एक बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है, उनको साथ लिया। मेरी वाइफ का चाचा आया हुआ था, उनको मैं लेके नहीं। अच्छा, चाचा जी मैं रुकूंगा नहीं, मैं इस्तीफा दे के आया हूँ, अब मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, फिर मेरा मकसद नहीं है। कहते मैं भी आपके साथ चलता हूँ, जहाँ चलो। मैं नैनीताल चला गया। अच्छा, नैनीताल अपना आराम से 2 कमरे बुक कर लिए। रात हुई, बंसीलाल जी का फोन आ गया, आके मुख्यमंत्री भजनलाल था। हाँ। बंसीलाल जी का फोन आया, उससे पूछा इंचार्ज से क्या इसी चौधरी आए हुए, कहता हाँ जी आए हुए, 2 बच्चे बच्चों के साथ आए हुए। अच्छा, बात कर रहा हूँ, कह रहा गई कमरे में तो नहीं था मैं, मैंने मना कर दिया। कहते मैंने उसको जैसे भी है उसको कह देना, बाबू जी ने कहा है फौरन मुझे आके मिल। अच्छा, आपके उनके साथ भी मित्रता थी बंसीलाल? बंसीलाल का तो मैं बड़ा बेटा कहलाता था। अच्छा, यहाँ जब आते थे ना, बंसीलाल ने मुझे स्टेट एडवाइजरी बॉडी का मेंबर बनाया हुआ था। अच्छा, जब महीने में 2 मीटिंग यहाँ होती थी, सारे अफसर यूं कांपते थे। 86 में तो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बना दिए थे ना? 86 में तो फिर बाद में थोड़े टाइम के लिए तो उनके कैबिनेट में भी आप मिनिस्टर थे। अच्छा, हुआ उसी से फिर मेरी बंसीलाल से थोड़ी बिगड़ भी गई थी। किस बात पे बिगड़ी आपकी? तो उसने मुझे क्या किया कि भजनलाल जी ने मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाया था, तो उसने मुझे 5 डिपार्टमेंट दिए थे, सारे मेन डिपार्टमेंट, जो जो और डिपार्टमेंट जिसकी परफॉर्मेंस मिनिस्टर की ठीक ना हो ले करके मुझे। आखिर में मेरे पास 9 डिपार्टमेंट थे। अच्छा,
एक्साइज एंड टैक्सेशन, रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, लेबर. आज पहली बार रिकॉर्ड है कि एक लेबर मिनिस्टर इंडस्ट्री और लेबर दोनों का मिनिस्टर रहा है. उसके बाद पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के बाद जो था लोकल गवर्नमेंट, इस तरह कर जेल्स पब्लिक, अच्छा माइंस, माइंस लेने से मैंने इनकार कर दिया कि माइन एक ऐसा गंदा डिपार्टमेंट है कि इसको भगवान को भी अगर दे दो, मैंने ये लफ्ज लिखे थे, तो लोग उसको भी बेईमान कहने लग जाएंगे क्योंकि माइंस का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है. तो मैंने कहा मैं नहीं लेता. भजनलाल कहता बेटा मेरे से नहीं संभलेगा, अरे कुछ कर दो, इस्तीफा दे दूंगा दोबारा, लेकिन ये नहीं. तो उसने कहा मेरे ऐसा कर, कुछ हल निकाल. मेरा हल ये है, झगड़ा कोई नहीं, अलाटमेंट भी माइंस की आप करो, जिसको दे दो, और उसके अलाटमेंट बाद रिन्यूअल भी आप करो. यानी मतलब है माइन अलाटमेंट का काम आपका, बाकी सारा मैं संभालूंगा. चाहे माइन के लिए मजदूरों के लिए, के बच्चों के लिए स्कूल है, उनके लिए डिस्पेंसरियां हैं, और जहां रिस्क की बाकी सारे काम हुई हो उसकी भराई वो मैं करूँगा. तो उस तरीके से दो डिपार्टमेंट मेरे पास रहे, और फिर आठ थे. फिर बाद में शमशेर सिंह सुरजेवाला इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर था. शमशेर से पावर निकल गई, नहीं संभाल सका. पूरे हरियाणा में सब तरफ कंप्लेंट ऑफ बिजली बोर्ड के दफ्तरों के आगे टेंट लग गए, और ज्यादातर डोमिनेटेड बाई जाट्स. वाह मचा हुआ था. मुझे बुलाया, ये ले ले. मैंने सोचा तो मानेगा तो नहीं. मैं भाई साहब एक बात, शमशेर मेरा यार है, शमशेर सिंह का डिपार्टमेंट में लूँ तो लोग ये कहेंगे कि दोस्ती में दगा करके पीठ में मार दिया. छुरा तेज था भजेला, अनपढ़ था, बहुत तेज था. जब तीन चार बार मैंने कहा अगर उसको कोई इतराज़ हुआ तो मत लेना. मैं कहा चलो ठीक है देख लेंगे. कह रहे शमशेर आजा आजा आजा, तेरी ज़रूरत है. अंदर वाले कमरे में शमशेर को पहले बुला रखा था, उसको पता था चौधरी मना करें. और गुरु तू ले ले भाई, जो मैं तो बटन दबाने से भी डरू हूँ, और ये तो तुम्हारा ये क्या गंद हो रहा सारा, वो मेरे स्यापे बचे पड़े. मैंने उसी दिन टीवी ऑल इंडिया रेडियो पे एक अपील की सबको बुला करके चंडीगढ़ से कि मुझे तीन दिन का टाइम दे दो, मैं पावर डिपार्टमेंट ले रहा हूँ, तीन दिन के बाद की डेवलपमेंट की हर जिम्मेदारी मेरी, मुझे इनको ठीक करना. एक एक दिन में 40-40 आदमी सस्पेंड कर दिए, ट्रेड यूनियन वाले भी सस्पेंड. पहले काम बाद में तुम्हारी लीडरी. यार मैं खुद ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ तो मुझे कैसे कहोगे. अरे भगवान की कृपा हुई, हफ्ते के अंदर अंदर सारे हरियाणा में टेंट अपने आप लोगों ने उठा लिए. फिर मैं क्राइसिस आ गया. मैं रेवाड़ी गया हुआ था, रेवाड़ी में मैं गया तो वहाँ पे मेरा ख्याल है डीसी, मुझे डीसी मेरा पुराना मिलने वाला था, वो मुझे कह रहा था सर चाय. मैं कहा चलो पी लेंगे. मैं उस पर घर चाय पीने गया. इतने में उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन पे फ़ोन आया, मंत्री जी आपके यहाँ आए हैं. मैं तो उनको बता दूँ हाई टेंशन लाइन टूट गई है और 1/3 साउथ हरियाणा ऑलमोस्ट डार्क हो गया, ब्लैकआउट हो गया. अच्छा चाय पी रहा था, उसने कहा रोक दी चाय. राम निवास नाम था डीसी का बेचारा, अब तो बन गया पिछले साल में, बड़ा मेहनती लड़का था, था शरूर खास, बहुत मेहनती था. मैंने फिर क्या किया, वो प्रॉब्लम तो मैं टैकल कर दी. कह लगा जी कितने दिन के लिए बंद कर गया. कहते 7 दिन बाद देखो. मैं 7 दिन तक साउथ हरियाणा ब्लैकआउट रहेगा. कहाँ है चीफ इंजीनियर. कहते जी बुलाया हुआ भी आ रहे हैं, SC, XN, SDO, JE ये तो सारे थे मेरे पास. चीफ इंजीनियर को बुलाया, वो दिल्ली बैठता था, वो भी आ गया रेवाड़ी. मैं चीफ साहब क्या सोचा आपने. साहब 5-6 दिन तो मिनिमम लगे. मैं कहा अगर उससे पहले हो गया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी. जो आदमी उसे पहले लगवा देगा मैं तो उसको चीफ इंजीनियर बढ़ा दूंगा. वो सोचता रहा किसको कहेगा, वो अपने स्टाफ में घूमता रहा. मैंने राम निवास को कहा, राम निवास तेरे रेवाड़ी में
अच्छे बिल्डर हैं, कहता हाँ जी बहुत है, कॉलोनी बढ़ रही, मैं उनके पास वाइट वॉशिंग और पेंटिंग वगैरह के लिए लकड़ी की घोड़ी बनी होती है जो पाइल बलिया लगा करके ऊपर पट्टे लगे होते हैं तो उसको घोड़ी कहते हैं। मैं कहा मुझे 2-3-4 घोड़ियाँ चाहिए। घोड़ियाँ तब तो घोड़ी टांगे का जमाना घटता जा रहा। मैं कहा घोड़ियाँ लकड़ी की। उसको फिर मैंने जब डिज़ाइन बता कहा अभी बहुत है, मेरे कोठी के पीछे उसका स्टोर है, मुझे 4 घोड़ियाँ मंगवा दे। 4 घोड़ियाँ राम निवास, अब ऐसा कर के एक काम और कर दे, मैं 2 अच्छे ट्रैक्टर नए मंगवा दे। चीफ इंजीनियर खड़ा है, अब ये सोचा है चौधरी साहब खुदाई करेंगे, प्लोइंग करेंगे, क्या करेंगे, ये चूने की चिनाई करेंगे, मंगवा रहे क्या। मैंने किया, अरे उठा करके बांस मंगवाए, बांस के ऊपर पट्टी लगा दी 4, चारों घोड़ियों के ऊपर एक एक आदमी चढ़ा दिया और उसको तार के नीचे से सपोर्ट देने के लिए कह दिया। एक आदमी होता नहीं संभाल लेता, चारों ने बड़े आराम से कोना पकड़ा। पहले एक का करते थे इसको रस्सी से, जैसे औरतें चुटिया गुथती हैं ना, रस्सी से गूंथ लेते थे, फिर उसको कहते जोर लगाओ ऐसा, थोड़ा और ऐसा, शाबा बच्चा, ऐसा ऐसा लगाओ। था मैंने करवा के ट्रैक्टर के साथ दोनों रस्सियाँ जोड़ी, तार खिंचवानी शुरू की, भाई जब तार तो ऊपर पहुँच गई। जब मैंने तार का जॉइंट लगाया, लगा करके उसको थोड़ा सा टाइट करने लगा, शूम करके बीच में से कोई जगह क्रैक थी, वो टूटी। मेरे कान के साथ से लग तो ये नहीं, दूर थी लेकिन मेरे ये बाल जल गए पूरे कोने। अच्छा। इतना ज़्यादा उसमें हीट थी। चल फिर दोबारा उसको मैंने एक्सियन को मैंने कहा बेटा तेरे प्रमोशन करूँगा, तुझे तो SDO बढ़ा के छोड़ूंगा, तुझे इतने नहीं पता कि जब भी कोई जॉइंट लगाया जाता है तो पीसेस को देख लिया जाता है, और मैं तुम्हें कह भी रहा हूँ देख लिया देख लिया, तू कहता हाँ ये क्रैक कहाँ से आया है, दोबारा तो हुआ नहीं, पहले का क्रैक है। कार्डियो माफिया मांग, चीफ साहब भी बड़े परेशान थे कि साहब कर क्या रहे जी। 2 घंटे बाद दोबारा उसी प्रोसेस को अडाप्ट करके 4-4.5 घंटे में स्विच ऑन कर दिया, सारा साउथ हरियाणा लाइट हो गई। बाद जी उस दिन से तो मैं हीरो हो गया। मैंने फिर जितने सस्पेंड कर रहे थे ठोक ठाक के किए, पर एक काम किया, सस्पेंड किए हैं पर नीचे लिख दिया नॉट टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। उनकी प्रमोशन, उनकी इंक्रीमेंट ना रुके, बच्चों के लोग पेट पे लात ना लगे, यही काफ़ी है कि घर बैठे हैं सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया 4 दिन बाद, हफ्ते बाद बहाल करके सारा कर भाई साहब 9 के 9 डिपार्टमेंट राम राज कर दिया।